हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ हो गए। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑली बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट के बारे में। आप लोगों ने दे दिया होगा अभी तक, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर जरूर बताइएगा, सेक्शन स्कोर भी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलते हैं, अपने स्कोर दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा स्कोर जैसे कि देख सकते हैं 117 मैंने अटैम्प्ट किया था, 112 सही, 5 गलत हो गए अनफॉर्चुनेटली, और 331 स्कोर रहा। काफ़ी अच्छा स्कोर है पिछले मॉक टेस्ट के मुकाबले में। पिछले मॉक टेस्ट आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, उसमें मेरा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था, 292 सिर्फ रिजल्ट था। उससे पहले मेरा काफ़ी अच्छा आ रहा था, 292 लास्ट मॉक टेस्ट में आया तो वो बहुत ख़राब था। उससे बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नीचे हो जाता है, लेकिन अब ठीक है, 331 स्कोर है तो काफ़ी ठीक ठाक स्कोर है। और परसेंटाइल देख सकते हैं, 96% है, एक्यूरेसी 95 है, 5 गलत हो गया है तो उसके कारण एक्यूरेसी थोड़ा गिर गया है। आपको मैं गलत क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, जैसे मैथ्स में आप स्कोर देख सकते हैं, 38/30 है। मैथ्स में एक क्वेश्चन जो था मुझे लगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सब क्वेश्चन सिंपल प्रीवियस ईयर का था। एक क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वो मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन था। जैसे ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सिंपल था, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, टाइम थोड़ा लग गया इसमें भी। और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, ये क्वेश्चन आई थिंक क्लास 12 का है जहाँ तक मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ, तो वहाँ मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन बनाया तो उसमें मुझे हेल्प मिला, और प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन था ये। और बात करूँ तो और एक आधा क्वेश्चन जो थोड़ा ठीक ठाक था मुझे लगा, जैसे ये क्वेश्चन में मुझे टाइम थोड़ा लग गया, देख सकते हैं 145 सेकेंड यानी 2 मिनट से ज़्यादा मुझे टाइम लग गया इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये सिंपल क्वेश्चन 18 सेकेंड मात्र लगा, और एक क्वेश्चन इसमें भी था मेरा अच्छा टाइम लग गया था, इसमें भी 2 मिनट से ऊपर लग गया था मेरा। रेस का क्वेश्चन जनरली मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। और रीजनिंग देख सकते हैं, रीजनिंग में 30/30 मैंने अटेम्प्ट किया था लेकिन 2 गलत हो गए अनफॉर्चुनेटली। एक ये क्वेश्चन है, इसमें आयदर और होना चाहिए, मैंने ध्यान से देखा नहीं, इसलिए आयदर और होना चाहिए बिल्कुल सही होता मेरा, मुझे पता भी था, ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि गलत हो गया। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें मेरा अक्सर गलत हो ही जाता है लेकिन थोड़ा बहुत सुधार इधर हुआ था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में अभी भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस और करना पड़ेगा। और इंग्लिश सेक्शन भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहा, 42 क्वेश्चन सही हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, गलत देखते हैं। एक क्वेश्चन नरेशन में जो कि जनरली मेरा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो गया क्योंकि सेड था, सेड टू नहीं था, मतलब इसका चेंज नहीं होगा टेंस, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। और एक ये क्वेश्चन था, ये इससे सेनोनिम्स करना था तो इसमें मेरा गलत हो गया, हैंडलिंग और इंश्योरिंग नहीं होगा, मिटिगेटेड और एलियड का मीनिंग मुझे नहीं पता है, तो एक ये सेनोनिम्स का क्वेश्चन गलत हो गया, सेनोनिम्स मेरा गलती हो ही जाता है जनरली। और एक ये क्वेश्चन भी सेनोनिम का है, मुंडेन मतलब ऑर्डिनरी होता है मुझे यहाँ तक मुझे पता है, इसका बैनर मुझे लग रहा था सपोर्टिव तो नहीं होगा, इंजीनियस पता नहीं क्या होता है, सेनोनिम में मुझे प्रॉब्लम हमेशा रहा है। और इंग्लिश का देखे, जीके बात करूँ तो जीके भी मतलब ठीक ठाक था, अच्छा क्वेश्चन था जीके में भी। मैथ्स फॉलोइंग में विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सुकुमार सेन पहला इलेक्शन कमिश्नर था सुकुमार सेन, और फोर्ड लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट पहला वायसराय था, तो ये सिंपल था। और ये क्वेश्चन एक मुझे डाउट है, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कब होगा, जब हम कॉन्टैक्ट एरिया डिक्रीज करेंगे, इसका मुझे कुछ आइडिया है नहीं, रिड्यूस द नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेसेस, ये क्या कहना चाह रहा है। एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और ये एक सितंबर 2023 का रिसेंट का करंट अफेयर है, इसमें मैंने मतलब सुना है कि यूपी में एक रेस हुआ था मोटो जीपी, और उसमें कौन सा विनर था, तो मार्को बेजेकी, ये काफ़ी रिसेंट का, ये तो पूछने वाला नहीं है,
करंट अफेयर वाली बोर्ड में जनरली बहुत रिसेंट कराते हैं, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। और बैटल हल्दी घाटी 1576 में मुगल राजपूत के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त टू, ये एक्चुअली मेरा सही होना चाहिए था, मतलब मेरे को टिक लगाना चाहिए था, मैंने लगाया नहीं। साकाज होगा, सिंपल था, क्योंकि प्रतिहाराज तो क्या कहते हैं एडी में था, ये तो नंदाज भी प्रतिहाराज के समय था। सोलंकीज तो होगा नहीं, साकाज होगा, ये मैं लगाना चाहिए था, मुझे साकाज मुझे पता था। और एक ये क्वेश्चन है गति शक्ति और साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये क्वेश्चन रिवर से था, रसिया के रिवर से, तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये कौन, व्हाट काउज़ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूड, तो बियॉन्ड फोर्स, सिंपल था, और इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। इनकम टैक्स एक्ट कब आया था, उनका ए होगा, ये सब नोट करना पड़ेगा। ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, इक्वेस्टेरिया में गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स जो भी चल रहा है इसमें, ये तो न्यूज़ में था ही, और कितने साल बाद जीता है, 41 साल बाद। तो ये सब क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है आर्किटेक्ट बिहाइंड द कोणार्क सन टेम्पल, बिसु महाराणा, और इस तरह का जीके क्वेश्चन है। जीके क्वेश्चन मतलब जो जो आता था वो तो सिंपल था लगा मुझे, और बाकी आप देख सकते हैं, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में इसको जो बताएगा जीके का खास कर दो। और कंप्यूटर देख सकते हैं 9 क्वेश्चन सही हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा ठीक ठाक जीके मतलब कंप्यूटर क्वेश्चन था, सिंपल था। ये फंक्शन की मुझे कन्फ्यूजन हो गया F1 F2 में, हेल्प करने में F1 होता है, ये तो मेरा गलती है क्योंकि मुझे याद नहीं है, कॉपी में लिखा हुआ है, याद नहीं था। और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो ये क्वेश्चन है, 1980s में प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स, मैंने SLSI दे दिया, VLSI होगा, ये मुझे नहीं पता था। और जैसा कि देख सकते हैं कंप्यूटर का मैं सेक्शनल स्कोर दिखाऊं तो, एक मिनट देखिए, कंप्यूटर में मेरे को आया है 25 मार्क्स है, लास्ट टाइम 27 कट ऑफ गया था कंप्यूटर का, तो 27 से कम है, 25 है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। कंप्यूटर में देख सकते 4142 रैंक है कंप्यूटर में, थोड़ा ख़राब है मुझे लगता है, तो कंप्यूटर ठीक करना पड़ेगा, बाकी सब मेरा ठीक ही है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स, गुड बाय।